कल रात जदयू नेता दीपक मेहता की हत्या पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि इस राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला होता है और फिर जदयू नेता की हत्या होती है, इसका जवाब तो बिहार के डीजीपी को देना चाहिए। पूरा प्रशासन तंत्र फेल है, मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए और डीजीपी को तुरंत हटाना चाहिए। टीम पे हमला होता है, फिर जदयू कार्यकर्ता नेता की हत्या हो जाती है, सर क्या कहेंगे? हत्या तो बहुत हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पर जो एक लड़के ने जो किया है और सिक्योरिटी क्या कर रहा है, ये तो डीजीपी को जवाब देना चाहिए। हम लोग से आप पूछ रहे हैं, आखिर पूरा प्रशासन का तंत्र फेल है, यहाँ सिर्फ इनकी बात क्या कर रहे हैं? पूरे बिहार में देखिए हत्या हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, सदन में बोलना चाहिए। आखिर उन पर जो अटैक हुआ वो कैसे हुआ? आखिर डीजीपी ने जो सिस्टम लगाया उसका सिस्टम कोलैप्स है पूरा, इसलिए डीजीपी में कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हत्या हो जाती है तो उस लड़के को भी छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल ठीक किया। देखिए ऐसा है, वो तो मुख्यमंत्री है, पूरे बिहार ने चुना है, वो लड़का ने किसके ठीक है, लेकिन डीजीपी क्या कर रहे हैं? ऐसा हो क्यों रहा है? हत्याएं क्यों हो रही है? आखिर उनका प्रशासन का तंत्र क्या कर रहा है, ये सवाल उठता है। जदयू के नेता की भी हत्या, पार्टी के नेता की हत्या हो रही है? मैंने बोला जदयू का हुआ है और लोगों का भी हो रहा है, ये तो उनको रहना दिखा रहा है प्रशासन का तंत्र, ये माननीय मुख्यमंत्री को सोच रहा होगा। और अगर आपको ठीक करना है तो डीजीपी को हटाइए और डीजीपी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।